ब्लॉगर्स के लिए बेस्ट रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट ले 2021 लेकर हम। आपको तो पता है ब्लॉगर के लिए डोमेन जितना ज़रूरी होता है उसके लिए उतना ही आर्टिकल भी ज़रूरी होता है। अब आर्टिकल के हाथ हाथ रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट भी होना ज़रूरी है। हम जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिख लें, हम जितना मर्जी अच्छा डोमेन ले लें, लेकिन जितनी देर हमारे ब्लॉगर का टेम्पलेट अच्छा नहीं होगा, मतलब जितनी देर हमारे ब्लॉगर का टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, जितनी देर हमारे ब्लॉगर वेबसाइट की स्पीड तेज नहीं होगी, तब तक हमारे लिए डोमेन और अच्छा आर्टिकल किसी काम का नहीं है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम टेक में। आज फिर मैं फ्रेंड आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आज आपको ब्लॉगर्स के लिए बेस्ट रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट ले 2021 लेकर हम। आपको तो पता है ब्लॉगर के लिए डोमेन जितना ज़रूरी होता है उसके लिए उतना ही आर्टिकल भी ज़रूरी होता है। अब आर्टिकल के हाथ हाथ रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट भी होना ज़रूरी है। हम जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिख लें, हम जितना मर्जी अच्छा डोमेन ले लें, लेकिन जितनी देर हमारे ब्लॉगर का टेम्पलेट अच्छा नहीं होगा, मतलब जितनी देर हमारे ब्लॉगर का टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, जितनी देर हमारे ब्लॉगर वेबसाइट की स्पीड तेज नहीं होगी, तब तक हमारे लिए डोमेन और अच्छा आर्टिकल किसी काम का नहीं है। क्योंकि गूगल खुद इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। गूगल खुद बोलता है कि जितनी देर आपका ब्लॉगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, आपके ब्लॉगर की स्पीड फास्ट नहीं होगी, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कराएगा ही नहीं और साथ ही साथ आपको एडसेंस का प्रूफ भी नहीं देगा। इसलिए ब्लॉगर का रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होना ज़रूरी है। आज आपको जो मैं ब्लॉगर के रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बताऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि शायद आपने इतने अच्छे टेम्पलेट आपने देखे होंगे, वो भी 2021 के। वो कौन से टेम्पलेट है वो मैं आपको थोड़ी देर में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाकर बताऊंगा। जो भी मैं आपको टेम्पलेट बताऊंगा उन सबके लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको अपनी वेबसाइट का, अपने अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा। आप मेरे ब्लॉग में जाकर जो भी आपको टेम्पलेट पसंद हो वो आप मेरे ब्लॉग में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप अपने ब्लॉग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग अच्छा है, आपने आर्टिकल लिखी है, अब अगर आपका ब्लॉग गूगल में रैंक कर रहा है फिर भी आपके ब्लॉग स्पीड कम है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ब्लॉग का पहले बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद जो मैं आपको रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बताऊँगा वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप अपने ब्लॉग में अप्लाई करना, फिर आप देखना कि आपके वेबसाइट की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, फिर आपको वो पता चलेगा वो कौन सी रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। वो आपको मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, हाथ में लगे बेल का आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, किसी की हेल्प ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, उनके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई आप मेरे को सवाल पूछना चाहते हैं या आप मेरे को कोई राय देना चाहते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया को फॉलो ज़रूर करें। अब मैं आपको खड़ता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, बताता हूँ वो कौन से रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है जो आपको अपने ब्लॉग पर
अपने ब्लॉग पर लगाने चाहिए। ये टेम्पलेट की एक अच्छी बात यह है कि इसमें से कुछ टेम्पलेट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको व्हाट्सएप शेयर का बटन भी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कुछ टेम्पलेट में आपको टेलीग्राम शेयर का भी बटन मिलेगा। जी हाँ, ये एक बेस्ट और अच्छे टेम्पलेट हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप का, पिंटरेस्ट का, फेसबुक शेयर का तो ऑप्शन टेम्पलेट में मिलता ही मिलता है, बट बहुत कम टेम्पलेट ऐसे हैं जिसमें आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट शेयर का भी ऑप्शन मिलेगा। ये भी टेम्पलेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन से खास टेम्पलेट हैं वो अब आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बताता हूँ। उन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कंप्यूटर की स्क्रीन आने के बाद पहली जो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है उसका नाम है मैगजीन प्रो। ये देखिए मैगजीन प्रो थीम, इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का सिंपल सा टेम्पलेट है तो देखने में कितना अट्रैक्टिव और अच्छा है। इसमें आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलता है जहाँ इसमें आप जहाँ पर आप अपने ब्लॉग का लोगो लगा सकते हैं। इसमें आपको स्टाइल, फीचर वगैरह, पेज कैटागरी वगैरह, फॉर्म वगैरह, बॉडी प्रेस वगैरह जैसे आपको फंक्शन मिलते हैं। इसका आप स्टाइल देख सकते हैं। पोस्ट का स्टाइल भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा। अगर किसी पोस्ट पर क्लिक करूँ ना, ये देखिए इसमें आपको अबाउट मी की ऑप्शन भी मिलती है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एडवर्टाइज, जैसे इनके आइकन आपको मिल जाते हैं। साथ में आपको सोशल आइकन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के भी आइकन मिल जाते हैं। इसमें आप रिस्पॉन्सिव ऐड लगाने की भी ऑप्शन मिलती है। साथ में आपको मीनू होम पोस्ट स्टाइल फीचर पेज कैटेगरी वगैरह के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। साथ में जहाँ पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं रिसेंट पोस्ट, अगर इसकी पोस्ट का आप स्टाइल देखें तो आप जहाँ पर पोस्ट का नाम आ गया, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई और जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई, जिसके बारे में आप जो भी आप पोस्ट लिखेंगे उसकी डिटेल जहाँ पर शो करी है। कितना ज़बरदस्त और कितना रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। जे पहली जो टेम्पलेट है इसका नाम मैगजीन प्रो है। नीचे आप इसके शेयर के ऑप्शन भी आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कुछ टेम्पलेट में आपको व्हाट्सएप के भी शेयर के ऑप्शन में, टेलीग्राम इसमें भी देखिए आपको फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन के कितने सारे आपको शेयर ऑप्शन मिल जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिंटरेस्ट भी करते हैं। आप इन सब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक क्लिक से अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको टेलीग्राम का ऑप्शन भी मिलता है, टेलीग्राम शेयर का भी, जो कि बहुत कम टेम्पलेट में देखने को मिलता है। साथ में आपको ब्लॉग अर्काइव, पॉपुलर पोस्ट वगैरह, नीचे आपको कमेंट सेक्शन भी मिल जाता है जहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपकी पोस्ट पड़े वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको नीचे तीन ऑप्शन मिल जाती है, रैंडम पोस्ट, अबाउट मी, रिसेंट पोस्ट। अबाउट मी में आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिएटेड बाय थीम एक्सपोर्ट, जहाँ से आप अपना फुटर भी चेंज कर सकते करना चाहें। जहाँ पर भी आपका सोशल मीडिया के आइकन मिल जाते हैं। कितना देखने में स्टाइल ज़बरदस्त और खूबसूरत है, आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेंट पोस्ट में जितनी भी आपकी रिसेंट पोस्ट होगी जहाँ पर हरी शो करेगी, जहाँ पर आपको फेसबुक, आप अपने फेसबुक के पेज को भी जहाँ पर लिंक कर सकते हैं। नीचे जितनी भी पोस्ट आपने लिखी होगी वो सब जहाँ पर भी शो करेगी। प्रीवियस और नेक्स्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है। ये भी टेम्पलेट बड़ी अच्छी टेम्पलेट है। ये हुई पहली टेम्पलेट। आप जहाँ पर नीचे जाकर देखेंगे जितनी भी आपने पोस्ट लिखी होंगी वो हरी ऐसे शो करेंगी। कितनी ज़बरदस्त ये टेम्पलेट है। ये हुई पहली टेम्पलेट। अगली जो टेम्पलेट है उसका नाम है इन्फिनिटी। ये भी बड़ी अच्छी टेम्पलेट है। वैसे तो इनका आप इस्तेमाल अपने फ्रीलांसर के लिए या कि बिजनेस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लॉग के लिए भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका अपना लोगो आ जाएगा, जहाँ पर आपको होम, सर्विस, प्रोजेक्ट, रिव्यू, ब्लॉग, टीम, कॉन्टैक्ट आके आपको जहाँ पर पेजिस की ऑप्शन भी मिल जाती है। जैसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप गूगल का एडसेंस का प्रूफ लेना चाहते हैं, होम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के डिस्क्लेमर के पेजिस बनाने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप एडसेंस का प्रूफ लेना चाहते हैं तो।
जहाँ पर आप अपनी सर्विस वगैरह भी सेल कर सकते हैं। देखिए नीचे इसका ऐप डिजाइन वेब डेवलपमेंट जैसे आपको फीचर फंक्शन मिल जाता है। ये देखिए इसका टैंपलेट आप देख कितना रिस्पॉन्सिव है। ये पूरा ये अगर देखा जाए तो हूबहू ये वर्डप्रेस के टैंपलेट जैसा, जो वर्डप्रेस में हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसके जैसा ही है। ये कितना ज़बरदस्त है। इसके नीचे आवर प्रोजेक्ट वगैरह इसकी और भी डिटेल आप जहाँ से देख सकते हैं। ये टैंपलेट भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह मिल जाती है, जहाँ पर आप अपनी जो आप अपनी जिस चीज़ का भी आप ब्लॉग बनाएंगे, चाहे कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे, जहाँ जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके बारे में आप जहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर उसकी आप थोड़ी बहुत पोस्ट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखिए अगर किसी पोस्ट पर क्लिक करें तो पोस्ट का डिजाइन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। इसका एनिमेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर आप न्यूज लेटर जब भी आपका कोई सब्सक्राइबर जहाँ पर ईमेल डालेगा तो जब भी आप कोई न्यू पोस्ट लिखेंगे उसे न्यूज लेटर के माध्यम से उसे ईमेल मिल जाएगी। इसका देखो इस जहाँ पर आपका आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर इमेज आ गई और जहाँ पर आपकी पोस्ट की डिटेल आ गई, जहाँ पर आप अपनी पोस्ट लिखेंगे, जहाँ पर भी देखो आपको सोशल शेयर के कितने बटन मिल जाते हैं, फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट लिंक्डइन व्हाट्सएप जैसे। सबसे बड़ी बात है कुछ इन टेम्पलेट्स में है आपको व्हाट्सएप शेयर की ऑप्शन मिलेगी ही मिले, क्योंकि सबको पता है आजकल ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर शेयर करके अपने ब्लॉग पर काफ़ी सारा ट्रैफिक ला सकते हैं। जहाँ पर आपकी पोस्ट के नीचे जितनी भी आपने पोस्ट लिखी होंगी उसके रिलेटेड आगे, जहाँ पर आपके टैग आगे, जहाँ पर जो भी आप पोस्ट लिखेंगे वो हरी पोस्ट आपके नीचे शो करेंगे, जहाँ पर भी आपके टैग आ गए, कैटेगरी आ गई, जहाँ पर आप अपनी वीडियो लगा सकते हैं, यूट्यूब वीडियो लगा सकते हैं, या पोस्ट का भी आप ऑप्शन जहाँ पर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट पॉपुलर पोस्ट ये सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाता है। ये टैंपलेट भी बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव टैंपलेट है, आप इसका भी अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी टैंपलेट है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हुई दो, ये दूसरी होगी। अब जो तीसरी है वो है सना टैंपलेट। ये भी ब्लॉगर की बेस्ट टैंपलेट है, ये भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इसका भी इंटरफेस काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी रीड मोर पर आप करेंगे, जहाँ पर आपको होम अबाउट है, जहाँ पर रिमोट पर क्लिक करेंगे आप जो पोस्ट लिखेंगे वो पोस्ट सारी आपकी जहाँ नीचे शो करने लग पड़ेगी, जो आप पोस्ट लिखेंगे उनकी जितनी भी इमेजेस होंगी जहाँ पर शो करेगी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी स्टाइलिश है। हाइड बार में देखें तो आपको कैटेगरी फेसबुक पेज भी आप लिंक कर सकते हैं, सब्सक्राइबर में जैसे मैंने पहले बताया आप अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियो भी लगा सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट भी लगा सकते हैं, इसमें भी आपको वही है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन लिंक्डइन इंस्टाग्राम के आपको सोशल प्लगइन जो मिल जाते हैं। अगर आपकी पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट पर क्लिक करेंगे पोस्ट का आउटपुट भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपका टाइटल आ गया, आप पोस्ट के बारे में जो डिटेल थोड़ी बोल लिखें वो जहाँ पर आ गई, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, तो जहाँ पर जितना भी आप अपना आर्टिकल लिखेंगे वो हरा ऐसे शो करेगा, वो सबका आउटपुट ऐसा मिलेगा। इसमें भी आपको फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट व्हाट्सएप शेयर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया जितनी पोस्ट आप लिखेंगे वो सारी जहाँ पर नीचे शो करती रहेगी। आप अपना जहाँ पर अपना टेम्पलेट अपना लोगो लगा सकते हैं। अगर होम पर जाएं जहाँ पर आप अपना जहाँ पर खाना लिखा हुआ जहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको हर बार का आइकन मिल जाता है, आप जहाँ पर किसी टॉपिक लिखते हो उसे सर्च करना चाहे आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सोशल प्लगइन के आइकन मिल जाते हैं आप अपने सोशल प्लगइन के लिंक भी दे सकते हैं। कितना ये जो टेम्पलेट है ये भी बड़ा रिस्पॉन्सिव काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी
खूबसूरत टैंपलेट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे भी आपको पेजेस के मिल जाते हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट के पेजेस मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आप अपना फुटर चेंज करना चाहे तो कर सकती हैं। ये जितने भी मैं आपको टैंपलेट बताऊंगा, इन सब के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा। आप मेरे ब्लॉग में जाएंगे, वहाँ ये टैंपलेट जो भी आपको पसंद होता है आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैंपलेट है, वो है चिक मैग। नाम थोड़ा अजीब है बट टैंपलेट काफ़ी अच्छा, चिक मैग टैंपलेट है। ये देखिए कि स्टार्टिंग में ही आपको आप अपनी एड ला आप जो भी एड नेटवर्क यूज करती हैं जहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, चाहे आप एडसेंस का इस्तेमाल करें चाहे कोई और कंपनी की ऐड इस्तेमाल करें, आप जहाँ पर भी अपनी ऐड लगा सकते हैं। ये थ्री डॉट हैं, जहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जहाँ पर भी होम फीचर सोशल मीडिया के आइकन ब्रेक कल्चर शॉप जैसे आपको होम अबाउट कॉन्टैक्ट जैसे होम अबाउट कॉन्टैक्ट फीचर जितने भी आप आइकन बनाएंगे उन सबके आपको जहाँ पर आइकन जो है शो करने लग पड़ेंगे। मीनू हब मीनू जो बनाएंगे वो हर जगह पर शो करेंगे। ब्रेक में क्या है, आप जितने भी पोस्ट शो लिखेंगे वो हर ब्रेक में शो करने लग पड़ेंगे। नीचे आपको फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब के आपको लिंक मिल जाते हैं, जहाँ पर भी अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। होम अबाउट फीचर सोशल मीडिया ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ पर आप अपने पेज लगा सकते हैं। फिर आपको फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जैसे आपको जहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे मैंने पहले ही बुलाया, आप अपने टेलीग्राम का लिंक जहाँ पर डाल सकते हैं। ये भी टैंपलेट काफ़ी अच्छी है, इसमें भी आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आप कोई टॉपिक सर्च करना चाहे कोई पोस्ट सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। कितने खूबसूरत टैबलेट। जो भी ये जो नीचे आप खाली डब्बा देख रहे हैं इसमें आप अपनी ऐड लगा सकते हैं। रिसेंट पोस्ट जैसे कि मैंने पहले बताया, वहीं जितनी आप पोस्ट लिखते जाएंगे वो नीचे रिसेंट पोस्ट में शो करती जाएंगी। अगर किसी पोस्ट पर क्लिक करके करें उसका आउटपुट कैसा होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिव ऐड लगा सकती हैं। ये देखिए जहाँ पर लिखे हुआ रिस्पॉन्सिव लीडर बोर्ड ऐड, जहाँ पर आप जो भी ऐड नेटवर्क यूज़ करते हैं उसकी ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया आइकन मिल जाते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर आप अपना फुटर एरिया चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर किसी पोस्ट पर क्लिक करें अब उसका आउटपुट कैसा था मैं वो बताता हूँ। अगर हम किसी पोस्ट पर क्लिक करते हैं उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार का आता है, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, नीचे आप जो पोस्ट लिखेंगे पोस्ट आ गई, जहाँ पर आप अपनी वीडियो डालना चाहे तो वीडियो डाल सकते हैं, जहाँ पर फिर आपकी पोस्ट आ गई, जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई, जहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल लिखेंगे, जहाँ पर वीडियो डालना चाहे अपनी यूट्यूब वीडियो डाल सकते हैं, और जहाँ पर आपकी सारी पोस्ट आ गई, जहाँ पर आपके टैग आ गए, जहाँ पर भी आपको सोशल मीडिया के आइकन शेयर की ऑप्शन मिल जाती है, फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। नीचे वहीं पुराना जितनी पोस्ट लिखेंगे वो सारी पोस्ट नीचे शो करती जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छी टैंपलेट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवीं डॉट पर क्लिक करेंगे, इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। नीचे आपके कमेंट सेक्शन, जो भी यूजर आपके कमेंट करेगा वो आपको नीचे इस प्रकार से दिखाई देने लग पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारी जो टैंपलेट है वो है ब्लश। ये भी बड़ी अच्छी टैंपलेट है, आप इसका भी इस्तेमाल अपने ब्लॉगर में कर सकते हैं। ये बड़ी रिस्पॉन्सिव है, जहाँ पर आप जितनी भी पोस्ट लिखेंगे उन सबकी इमेज ऐसे करें शो करेगी, जहाँ पर आपकी कैटेगरी आ गई नीचे आप जो भी टाइटल डालेंगे टाइटल का नाम आ गया, जहाँ पर ये जो 728 मल्टीप्लाई 90 है, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिव ऐड आप लगा सकते हैं, चाहे गूगल एडसेंस का आप इस्तेमाल करें जहाँ जो भी आप ऐड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसकी ऐड आप जहाँ लगा सकते हैं। नीचे आपकी पोस्ट आ गई, जहाँ पर भी आपको सोशल प्लगइन मिल जाती है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के, नीचे पॉपुलर पोस्ट आ गई, जहाँ पर भी आप अपने फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपना लिंक वीडियो का लिंक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर नीचे की बात करें, जहाँ पर लोड मोर और पोस्ट, जहाँ पर क्लिक करेंगे
और नीचे जितनी भी पोस्ट आप लिखते जाएंगे वो नीचे की नीचे जाती जाएगी। ये देखिए और नीचे करें आओ लोड मोड पर करेंगे वो नीचे आपकी पोस्ट जाती जाएगी। जहाँ पर भी आप अपना फुटर चेंज करना चाहे कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको होम अबाउट कॉन्टैक्ट के पेज मिल जाते हैं। अब अगर पोस्ट पर क्लिक करें उसका आउटपुट क्या कहता है वो देख लेते हैं। हम किसी पोस्ट पर अगर क्लिक करते हैं उसका आउटपुट आप कैसा है आप देख लें। जहाँ पर आपका आपका पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, जहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई, अब जो भी आर्टिकल लिखेंगे वो आर्टिकल जहाँ पर शो करने लग पड़ेगा, जहाँ पर आपकी कैटेगरी आ गई, जहाँ पर भी आपको फेसबुक ट्विटर पिंटरेस्ट लिंक्डइन व्हाट्सएप के शेयरिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। नीचे जहाँ पर आपने जितनी पोस्ट लिखी होंगी रिसेंट पोस्ट वो सारी जहाँ पर शो करेंगी, जहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी और बेस्ट रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है, जहाँ पर आप अपना जहाँ ब्लश लिखा हुआ जहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेम्पलेट है वो है बेसल। ये भी बड़ी अच्छी टेम्पलेट है जहाँ पर भी आप अपना लोगो लगा सकते हैं। आप अगर फैशन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जब फैशन ब्लॉगिंग में हो जहाँ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप फैशन ब्लॉगिंग ब्लॉगर पर करना चाहते हैं तो ये टैंपलेट आपके लिए परफेक्ट है। जहाँ पर आपका लोगो होम डाउनलोड पेजेस वगैरह सारे जो आइकन है जहाँ पर आपके शो करेंगे, पेजेस होम अबाउट सिंपल पोस्ट जितनी भी आप पोस्ट लिखेंगी वो जहाँ पर भी शो करेगी, फैशन जितने भी आप कैटागिरी बनाएंगे कैटागिरी शो करनी लग पड़ेगी। ये कैटागिरी है, कैटागिरी के नाम जहाँ पर आने लग पड़ेंगे। खर्च में आप कोई टॉपिक खर्च करना चाहे जहाँ पर आर्टिकल खर्च करना चाहते जहाँ पर उस आर्टिकल का नाम लिखेंगे खर्च कर सकते हैं, खर्च आर्टिकल कितना बढ़ा आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपके सोशल मीडिया के लिंक आ गए फेसबुक ट्विटर यूट्यूब इंस्टाग्राम, जहाँ पर नीचे जाएंगे जहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, जहाँ पर भी आपको पोस्ट के नीचे ही फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप टेलीग्राम के आपको शेयर के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब आपको पोस्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर से ही ऐसे ही जहाँ पर भी आप अपनी पोस्ट शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो डायरेक्ट आपकी पोस्ट व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक पर चली जाएगी। आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। ये देखिए जितनी भी आप पोस्ट देख सकते हैं उन सबके नीचे शेयर दिस आर्टिकल के नीचे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप की ऑप्शन दिखाई दे रही है। ये देखिए साथ में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके लेबल शो कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पर फेसबुक का पेज का लिंक डाल सकते हैं, आप जहाँ से भी अपने ब्लॉग का सर्च कर सकते हैं। जब कोई सब्सक्राइबर आपके जहाँ पर ईमेल डालेगा उसे सब्सक्राइब सबमिट करेगा, जब भी आप कोई नई पोस्ट लिखेंगे तो उसे ईमेल के माध्यम से आपकी पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। जहाँ आपका अबाउट मी जहाँ पर अपनी इमेज लगा सकते हैं, नीचे अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपने ब्लॉगिंग अपने नाम वगैरह अपनी सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हैं देना चाहे तो। ये देखिए जहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे या जितने भी सब्सक्राइब किए होंगे वो सब आपको दिखाई देने लग पड़ेंगे। अगर आप जहाँ पर अपना नाम वगैरह डालते हैं तो लिंक डालते हैं तो अगर हम की पोस्ट पर क्लिक करेंगे उसका आउटपुट आप देखते हैं क्या आता है। अगर हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं ये देखिए जहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम आ गया, जहाँ पर कमेंट कितने हुए वो आ गया, डेट आ गई पोस्ट की, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, जहाँ पर आपका फिर पोस्ट का नाम आ गया, पोस्ट का टाइटल आ गया, तो जहाँ पर आपकी जो पोस्ट लिखी होगी आपका आर्टिकल जहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए ये सारा कुछ आपका आर्टिकल आ गया, अगर नेम ईमेल मैसेज वगैरह आ गया। आप इस पोस्ट को जहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, इसमें भी देखो आपको कितने मल्टीपल शेयरिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, फेसबुक पे ट्विटर पे टेलीग्राम के व्हाट्सएप पे पिंटरेस्ट पे जहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। नीचे जितनी भी मैंने पहले ही बताया जितनी पोस्ट लिखी होंगी वो सारी नीचे शो करने लग पड़े। ये जो हाथ में आप जो
डब्बा देखने पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी अपनी पिछली पोस्ट लिखी होगी या पिछला आर्टिकल आपने देखा होगा वो जहाँ पर शो करेगा, आपकी पिछली जो भी पोस्ट होगी जहाँ पर शो करेगा। हाथ में आप देखें तो हाथ में अबाउट मी, सोशल मीडिया के आइकन, अबाउट पोस्ट वगैरह, फॉलो बाय, बाकी हर वहीं कट कर रहा है। जहाँ पर भी आप अपनी एड लगा सकते, जहाँ पर भी आपकी पोस्ट जो शो करेगी, मतलब आपने जितनी पोस्ट दे लिखी होगी, आगे जाने आगे की पोस्ट आप देखना चाहते हो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगर पीछे की पोस्ट को देखना चाहते हो प्रीवियस पर आप क्लिक करेंगे। देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, ये भी टेम्पलेट बेस्ट टेम्पलेट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आपको कमेंट की ऑप्शन भी मिलती है, जो आप जी यूजर आपका कमेंट करेगा तो वो आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। नीचे आप अपना मेल चिप का सब्सक्राइब न्यूज़लेटर भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पर भी इसके नीचे भी आप अपने सोशल मीडिया के आइकन देख सकते हैं, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी अपने फेसबुक का लिंक देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप वहीं फॉलो बाय ईमेल लगा सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट जितनी भी आपने लिखी होगी, जहाँ पर भी आप अपनी थीम का फुटर नेम चेंज कर सकते हैं। इसका देखो कितनी जबरदस्त और कितने रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। मेरा ख्याल है कि आपको ऐसे बेस्ट टेम्पलेट आपको शायद ही दिखाई देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टेम्पलेट है वो है ये वनीला लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल के रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं तो ये टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट है। इसमें भी आपको होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट के पेजेस मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना लोगो लगा लेते हैं, आप अपने लोगो के नीचे अपने ब्लॉगर के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पर जो भी आप पोस्ट लिखेंगे उसकी इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, आगे करेंगे आगे जाएंगे, पीछे करेंगे पीछे जाएंगे। नीचे देखें, नीचे आपका ऑथर का नाम आ गया, आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकते हैं, जहाँ पर आप जितनी भी पोस्ट लिखेंगे वो नीचे शो करती जाएगी। ये देखिए जहाँ पर आपके लेबल आ गए, आप जितने भी लेबल लगाएंगे, टैग लगाएंगे, वो आप जहाँ शो करेंगे। जहाँ पर ब्लॉग अर्काइव, आपने कौन से फन में कौन सी पोस्ट लिखी थी वो हम जहाँ पर शो करेंगे। पॉपुलर, जो जितनी भी आपकी पॉपुलर पोस्ट होंगी वो जहाँ पर शो करेगी। अब नीचे जाते जाएंगे, आप अगर आप पीछे ओल्डर स्टोरी पर पीछे जाना चाहते हैं, आप ओल्डर स्टोरी पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट के आपको पेजेस मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आप अपना फुटर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सोशल शेयर के बटन भी मिल जाते हैं, जहाँ ये जो थ्री डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देखते हैं जब पोस्ट पर क्लिक करके उसका आउटपुट कैसा आता है, कि पोस्ट पर क्लिक करेंगे उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार का आएगा। ये जितने फ्रेंड टेम्पलेट है बड़े रिस्पॉन्स ही, बड़े ज़बरदस्त टेम्पलेट है, आपको इन सब टेम्पलेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका आउटपुट ऐसा कुछ इस प्रकार का, जहाँ पर आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर आपकी कैटेगरी आ गई, जहाँ पर आपकी इमेज है, जहाँ पर आपका आर्टिकल आ गया, जहाँ पर भी आपका फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन शेयर के बटन मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपकी नीचे रिसेंट पोस्ट जितनी भी शो करेंगे, जितने भी कमेंट है वो आपको नीचे इस प्रकार से दिखाई देंगे। बाकी ब्लॉग अर्काइव, पॉपुलर, आठर वगैरह आपको बता ही दिया मैंने, जहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। हमारी लास्ट और जो आखिरी टेम्पलेट है वो अब एक बात बताना भूल गया था, ये जो हर्च बार है, हर्च बार पर भी आप कोई भी अगर पोस्ट कट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पोस्ट का नाम डालेंगे, हर्च करेंगे, हमारी जो आखिरी और लास्ट टेम्पलेट है वो है ये, इसका नाम थोड़ा अजीब है, सेल्वा टेम्पलेट। ये भी ब्लॉगर की बेस्ट सेल्वा न्यू टेम्पलेट है 2021 की। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का, जहाँ पर भी आपको होम, फीचर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आप अपने पेजेस लगाएंगे, जहाँ पर भी आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाती हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट के, जहाँ पर आप जितनी पोस्ट लिखी होंगी वो जहाँ पर शो करी,
आप आगे पीछे करके जा के देख सकते हैं। नीचे आपने जितनी पोस्टें लिखी वो सारी पोस्टें जहाँ पर शो करी, जहाँ पर भी 728 × 90, जहाँ पर आप अपने ब्लॉगर का अपने सॉरी आप अपनी एडसन की ऐड लगा सकते हैं, या जो भी आप ऐड नेटवर्क यूज़ करते हैं उसकी भी आप ऐड जहाँ पर लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको सोशल प्लगइन मिल जाती हैं, पॉपुलर पोस्ट मिल जाती हैं, सब्सक्राइबर्स मिल जाता है, जहाँ आप अपनी वीडियो लगा सकते हैं, फेसबुक का लिंक लगा सकते हैं, या जितनी पोस्टें लिखेंगे वो सारी नीचे शो करती जाएंगी। लोड मोर पर करेंगे और आपने अगर इससे भी ज़्यादा पोस्टें लिखेंगी और पोस्टें नीचे की नीचे जाती रहेंगी। जहाँ पर आप अपना फुटर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको होम अबाउट कॉन्टैक्ट के आप पेजेस जहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर किसी पोस्ट पर हम क्लिक करें उसका आउटपुट कैसा था मैं वो दिखा देता हूँ। जहाँ पर आपका आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया, जहाँ पर आपकी इमेज आ गई, जहाँ पर आपका पोस्ट आ गई, आपका आर्टिकल आ गया, जहाँ पर आपके टैग आ गए, जहाँ पर भी आपको मल्टीपल शेयरिंग की ऑप्शन मिल जाती है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप शेयर जैसे आपको ऑप्शन जहाँ पर मिल जाते हैं, जहाँ पर भी आपको जितनी रिसेंट पोस्ट होगी जहाँ पर शो कर जहाँ पर शो होगी, जहाँ पर जितने भी आपके आपके सब्सक्राइबर कमेंट करेंगे वो सब कमेंट आपको जहाँ पर दिखाई देने लग पड़ेंगे। जहाँ पर आप अपना जहाँ पर सिल्वा लिखा हो, जहाँ पर आप अपना अपने ब्लॉग का लोगो भी लगा सकते हैं, जहाँ पर जितनी भी नीचे पोस्ट लिखते जाएंगे वो ऊपर जहाँ पर भी इस प्रकार से शो स्लाइडर में शो करी जाएगी। आप अगर स्लाइडर को आगे करेंगे तो आगे की पोस्ट आएगी, पीछे को करेंगे तो पीछे की पोस्ट शो करती जाएगी। ये स्लाइडर टेम्पलेट भी बड़ा अच्छा टेम्पलेट है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट पसंद आए होंगे। जितने भी मैंने टेम्पलेट बताया इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा, आप मेरे ब्लॉग में जाकर ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं आपके लिए फिर नई वीडियो लेकर जल्दी ही मिलूँगा, तब तक ले जय हिंद जय भारत।